गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं, आज काशी में रंग भरी एकादशी बहुत ही पावन अवसर है। कि हम काशी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है कॉम ब्लॉग चैनल। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ एक महत्वपूर्ण जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा के दर्शन के लिए। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम काशी खंड में स्थित है और अपनी महिमा को महिमा मंडित करता है। आज इसी क्रम में कॉम ब्लॉग आया हुआ है वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित महत्वपूर्ण धाम काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव हो जाता है कि जब काशी में ऐसे आयोजन किए जाते हैं। देख सकते हैं इतनी भारी भीड़ बाबा के दर्शन को व्याकुल। आइए, हमारे समक्ष दर्शनार्थी हैं जो रंग भरी काशी का त्यौहार मनाए हैं। आइए पूछते हैं कैसा माहौल रहा अंदर बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। बहुत बढ़िया था। किस ज़िले से आप आए हैं? हम तो यहीं बनारस से। काशी से हैं जी। कितने बजे आप लाइन में लगे थे भैया? लाइन में हम नहीं लगे थे जी। हमारा गाइस, हाँ, अनुभव बताइए अपना, आज कैसा रहा? 1.5-2 घंटे लगने के बाद बाबा का झांकी मिली, लेकिन अंदर जो है दर्शन नहीं मिल पाया। आज जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बस थोड़ा सा अंदर से थोड़ा जो है होता है ना, ग्लानी होती है बाबा से, लेकिन ठीक है, बाबा भी जाते वही होता है। और एक मित्र हमारे साथ हैं, ये भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन बाबा के प्राप्त किए। दर्शन बढ़िया हुआ। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा भाई साहब? चतुर्वेदी जी। भीड़ बहुत ज़्यादा है जी, लोगों से यही कहेंगे धक्का धुक्की ना करें, आराम से दर्शन करें, किसी के बाथरूम में ना आए, बाबा का ध्यान लगाएं, दर्शन करें, दर्शन जरूर मिलेगा आपको। रंग भरी है तो दर्शन जरूर अवश्य मिलेगा आपको। रंग भरी काशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आइए हम देखते हैं किस प्रकार का माहौल हो जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब यह एक सुबह पर, आप देख सकते हैं बहुत ही भारी जन सैलाब जो कि आ चुका है आपके समक्ष। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यह एक महत्वपूर्ण कवरेज कर रहा है कॉम ब्लॉग आपके समक्ष। बड़े ही प्रेम भाव में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का प्रांगण बहुत ही मनोरम, और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं जनता का जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी के महत्वपूर्ण धामों में एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, और बड़ा ही हर्षोल्लास का क्षण हो जाता है कि जब आप काशी विश्वनाथ धाम में रंग भरी एकादशी के अवसर पर बाबा का स्नेह प्राप्त। महत्वपूर्ण क्षण का आनंद लेते दर्शनार्थी ज्ञानवापी परिसर जो है काफ़ी कुछ
दर्शनार्थी बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में बाबा का दर्शन प्राप्त करने लगे। मंदिर प्रांगण में किसी प्रकार के फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ वीडियो। होली के शुभ अवसर पर दर्शन प्राप्त कर दर्शनार्थी यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले डमरू दल के द्वारा डमरू का देखिए दर्शनार्थी कितने ही आनंदित मुद्रा में। देखिए दर्शनार्थी बड़े ही प्रेम पूर्वक बाबा के दर्शन प्राप्त करके अबीर और गुलाल में खेलते हुए। आइए हम दर्शनार्थी से पूछते हैं कैसा अनुभव हुआ इन्हें बाबा के प्रांगण में दर्शन प्राप्त करने के बाद। होली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और होली के पहले रंग भरी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी के पर्व पर बाबा का आशीर्वाद और आशीर्वचन प्राप्त करके श्रद्धालु बड़े ही आनंदित मुद्रा में काशी में बाबा के प्रांगण में बाबा विश्वनाथ के साथ रंग भरी काशी का महत्वपूर्ण क्षण को जीवंत करता यह क्षण कि हर दर्शनार्थी बाबा का आशीर्वाद लेकर बेटा आगे चलो निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितना ही मनोरम दृश्य होगा जब काशी में आप आएँ और बाबा विश्वनाथ के साथ रंग भरी काशी के पर्व को इस छटा को इस क्षण को और आइए हम पूछते हैं भाई साहब कैसा अनुभूति हुई आपको? बाबा का दर्शन हो गया, बहुत बहुत कृपा है, बाबा एकदम आज चमचमा रहे हैं, बाबा का दिव्य दर्शन हुआ। आपका शुभ नाम? सोनू पंडित जी। कहाँ से हैं आप? हम बनारस काशी लोकल। काशी वासी। हर हर महादेव। नमः भारत की। बाबा के दर्शन का सानिध्य और बाबा की संकल्प देखिए बहुत ही आकर्षक क्षण होता है जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और पार्वती बाबा के समर्थन में यहाँ पर देखिए काफी उत्साहित जनता जो कि बड़ा ही आनंदित क्षण का अनुभव कर रही है। और बाबा के दर्शन में कितना समय आपको लगा? लगभग एक घंटा पूरा लगा। एक घंटा अंदर का माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है, बाबा विश्वनाथ जी का ऐसा कृपा है कि सारे लोग दर्शन कर ले रहे हैं। अबीर और गुलाल तो इतना कि कम से कम जाने 200-400 बोरा फेंक कर। और बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया भोलेनाथ का कृपा। बाबा से क्या कामना करते हैं आप इस वर्ष? हम यही कहते हैं कि जैसे योगी और मोदी जी आए इसे हंसदा रहे और बाबा जी का कृपा बनी रहे, उनके ऊपर कृपा पूरा सदा जिंदगी भर रखे रहे। काशी की जनता बड़े ही हर्ष और समर्पण से देखिए यहाँ पे हर्ष और समर्पण से हर हर मोदी, हर हर मोदी, हमारे मोदी जी, हर घर महादेव की देखिए जय का। देखिए ये काशी की जनता बड़े ही पार्वती पते हर हर महादेव बहुत ही आनंदित हो जाता है जबकि बाबा के धाम ये
ये देखिए बड़े ही आनंदित मुद्रा में हमारे मास्क विक्रेता बंधु, और ये देखिए हमारे बहुत ही मित्र माहौल काशी में, जनता का इतना अच्छा समर्पण और संकल्प, बाबा के प्रति एक कर्तव्य निष्ठा, एक ही बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है। और भारी भीड़ यहाँ पर, हजारों और लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही आनंदित मुद्रा में है। और जो पहली बार रंग भरी काशी के समारोह में शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही आकर्षक क्षण हो जाता है कि जब वो काशी में आते हैं और अपने इन महत्वपूर्ण क्षणों का आनंद लेते हैं। बड़े ही आराम से देखिए यहाँ पर दर्शनार्थियों को एक ही घंटे में दर्शन मिल जा रहा है, हालांकि आम दिनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए दर्शनार्थी अबीर और गुलाल खेलकर दर्शनार्थी बड़े ही आनंदित मुद्रा में, बहुत ही अच्छा क्षण है ये। पार्वती हर हर महादेव, ये वीडियो चल रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों के साथ काशी स्वागत कर रहा है बाबा विश्वनाथ के रंग भरी काशी पर, बहुत ही अच्छा क्षण है। और बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे आप कि जो बाबा के प्रांगण में बाबा के साथ अबीर और गुलाल का बहुत ही अच्छा सामंजस्य देखिए यहाँ पर, बड़े ही एक महादेव की मन में लालसा, बहुत अच्छी बात है। महादेव के समर्थन को प्राप्त करते हैं हमारे हर एक दर्शनार्थी, बड़े ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में, बड़े दूर दूर से लोग काशी विश्वनाथ की महिमा ही इतनी निराली है, काशी विश्वनाथ की तरफ स्वतः ही मन खींचा चला जाता है। बाबा के इस रंग भरी एकादशी के माहौल में, रंग भरी एकादशी का महत्व यह है, रंग भरी एकादशी रंगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और माता गोरा का गौना करते हैं, बड़े ही आनंदित क्षण को प्राप्त करते काशी के हमारे युवा, और दूर देश विदेश से आए हमारे दर्शनार्थी, बड़े ही ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्षण है कि जब हर एक दर्शनार्थी के मन में एक अभिलाषा है, एक समर्पण का भाव, और काशी का यह समर्पण, हर हर महादेव, काशी का यह समर्पण देखिए, हर एक जनमानस अपने अंदर एक लालसा लिया हुआ है कि हर हर महादेव के जयकारे से घोषित यह काशी स्वतः ही अपने आप को विदित करती है। काशी के कण कण में ही शंकर हैं और काशी के कण कण में ही महादेव का और माँ गौरा का निवास है। माँ गौरा के इस महत्वपूर्ण क्षण को, जो कि गौना का पर्व है, बाबा महादेव गौने के लिए अपनी पूरी एक टीम के साथ निकलते हैं, जो कि हमारे महत्वपूर्ण जो काशी के महंताधीश्वर हैं उनके ही प्रांगण से यह बारात उठाई जाती है। यह गौने का जो एक समारोह है, इसमें काशी की हर जनता, हर एक व्यक्ति, हर एक पुजारी शामिल होता है और इस बहुत ही अभूतपूर्व क्षण का साक्षी बनता है। बाबा के भक्ति में रंगे श्रद्धालु बड़े ही विनम्र भाव से यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा एक माहौल जो बन जाता है काशी में, हर हर महादेव के जयकारे को निरंतर घोषित करते काशी के युवा, और दूर दूर से आए हमारे सम्मानित दर्शनार्थी, क्योंकि काशी की महिमा को, काशी के हर एक क्षण को, काशी के हर एक कण कण को, और काशी के हर एक पहलू में रमे, यह एक बताया जा सकने और व्याख्या कर जा सकने बात नहीं है। यह विदित कर सकते हैं आप कि आप इसका आनंद खुदा कर लें। मैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से लाइव हूं और यहां पर बड़े ही दूर दूर से बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जज, बड़े से बड़े नेता और हर एक व्यक्ति जो अपने आप को बाबा में समर्पित किया हुआ है, वह यहाँ पर अपने आप को
ये देखिए बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण है आज महादेव बाबा भोलेनाथ के रंग भरी एकादशी का बड़ा ही शुभ अवसर है। युवाओं का समर्थन, युवाओं का वह जोश, वह एक नव जोश देखने लायक है जो कि इस बार एक नए कलेवर में, एक नए रंग में, एक नए ढंग में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही प्रेम और सद्भाव को बताती, अपने महत्व को समझाती, अपने हर एक क्षण को बताती काशी। काशी बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी में शुमार है, देश विदेश के लोग और बड़े ही दर्शन का यह एक अभूतपूर्व क्षण स्वतः ही प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर हर एक दर्शनार्थी पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। बाबा के रंग भरी एकादशी के उत्सव में बड़ा ही उत्सव सा माहौल यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि काशी के महत्वपूर्ण क्षणों में, काशी के निर्माण में, काशी के हर एक क्षण तो जीवंत करता है। यह काशी अपने आप में ही निराली, काशी अपने आप में ही निराली एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। काफी देखिए यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग दर्शन प्राप्त करते हैं, हमारे जिला मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं और बाबा के और माँ गौरा के गहने में शामिल। ऐसा ही एक क्षण बड़ा ही आइए हम देखते हैं कैसा जन सैलाब है, क्या दर्शन मेन गेट से ही दर्शन प्राप्त करने का अवसर आज आपको प्राप्त हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन गेट जो कि जल्दी नहीं खुलता है, साइड गेट से ही दर्शन होते हैं, लेकिन आज मेन गेट से भक्तों के लिए यह दर्शन की एक श्रृंखलाएं खोली जा रही है, जो कि बड़े ही ये भक्तों का एक दल बड़े ही विनम्रता से निकला हुआ है। भक्त बड़े ही प्रसन्नता से कॉम ब्लॉग आपको लाइव दिखा रहा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के ऐसे क्षण होते हैं जिनको कि बयां कर पाना सहज मुश्किल नहीं है। ये देखिए कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सजीवता से ही, बड़े ही सहजता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन लाइव कर पा रहे हैं। हर हर महादेव के जय घोष से जय घोषित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है और बड़ा ही हर्षात्मक समाचार है कि बाबा के धाम में बाबा का संपूर्ण जयकारा है, क्योंकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हर एक आदमी के मन मन से तन तन से अपनी यथाशक्ति ही आवाज़ को ही बुलंद करते युवा हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं, जो कि तन मन को बड़ा ही रोमांचित कर देता है और एक नई स्फूर्ति प्रदान करता है कि हम यहाँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर आकर अपने दर्शन को प्राप्त करें। मेरा अनुरोध है विश्व के सभी दर्शनार्थियों से, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, आस्था की अभूतपूर्व एक ध्वनि महादेव के रंग में रंगे मास्क विक्रेता बहुत ही अच्छा क्षण जो यह एक क्षण है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आपको दिखाते हैं दर्शनार्थी किस प्रकार से बड़े ही एक जन सैलाब सा, जो कि आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतने दर्शनार्थी हैं, काफ़ी भारी मात्रा में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए अपने बहुत ही दर्शन की वो अभिलाषा जो कि हर जन के मन मन में है। ये देखिए महादेव के जयकारे से घोषित काशी अपने आप को, अपने काशित्व को स्वतः ही प्रदर्शित करती है कि यह महादेव के रज रज से, कण कण से बनी हुई है। वाराणसी का ज्ञानवापी कॉरिडोर क्षेत्र
यह स्वतः प्रदर्शित करता है कि महादेव की भक्ति में रमा काशी किस प्रकार से पूरी तरीके से रम गया है। काशी बाबा विश्वनाथ श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे विश्व के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में एक है, जिनका कि बड़ा ही भव्य स्वरूप आपके समक्ष प्रदर्शित है और एक बहुत ही अच्छी अभिलाषा हर एक युवा के मन में, हर एक आदमी के जनमानस के तन तन में और मन मन में स्वतः ही स्फुटित हो रहा है। बहुत ही अच्छा ये माहौल हो जाता है कि जब आप काशी विश्वनाथ के धाम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों को देखकर काशी के महत्वपूर्ण धामों की महत्ता को बताता यह महत्वपूर्ण धाम काशी विश्वनाथ धाम अपनी एक महत्वपूर्ण छवि को, अपने स्थापत्य को बड़े ही बारीकी से प्रदर्शित करता है। यह आप देख सकते हैं, बड़े ही बारीकी से यह वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की भव्यता को प्रदर्शित कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण क्षण होता है कि जब आप अपने महत्वपूर्ण बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ काशी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। धन के पीछे, अर्थ के पीछे और हर एक चीज़ों के पीछे आदमी भाग रहा है, लेकिन क्या अपने आध्यात्म के पीछे आपने कभी देखा? आध्यात्म की यह एक नई ज्योति जो उत्पन्न हुई है काशी में, बहुत ही बड़ा जनसैलाब जो कि बाबा का दर्शन प्राप्त करके, ये देखिए अबीर और गुलाल की जो होली होती है, अबीर और गुलाल की होली में रंगे और ये देखिए बड़े ही श्रद्धापूर्वक अबीर और गुलाल की ये होली खेली गई है। हर एक जनमानस इस महत्वपूर्ण क्षण में, इस महत्वपूर्ण क्षण को अनुभव कर रहा है, उसमें अपना समर्पण और सम्मिलित होने के लिए यह लालसा जो होती है, सम्मिलित होने की बाबा के रंग भरे का रंगोत्सव में सम्मिलित होने की जो लालसा है, तो बड़े ही दिनों बाद देखने को मिला कि ऐसा जन सैलाब जो कि प्रति इतना अच्छा जो समर्पण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी भारी भीड़ जो कि बाबा के दर्शन के लिए निरंतर प्रयासरत दर्शनार्थी, एक मन में कामना है, मन में एक कामना है, बाबा कल्याण करेंगे, बाबा के अभिरोत्सव रंग भरी एकादशी के रंगोत्सव में अबीर से रंगे, गुलाल से सजे यह चेहरे क्या प्रदर्शित करते हैं। यह देखिए यह जन सैलाब, दर्शन करते हैं, फूल माला दूध भांग बूढ़ी चढ़ाकर महादेव को अभी अर्पित करते हैं और काशी में विश्वनाथ धाम में अबीर और गुलाल की होली खेली जाती है। कई कुंटल अबीर और गुलाल की होली खेली जाएगी, कोई गिनती नहीं है। यह जन सैलाब जो कि उमड़ा हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर, बड़े ही बाबा के दर्शन को आतुर होते दर्शनार्थी, यह व्यवस्थाओं को करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप इतने दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से आप एक दर्शन को करवा पाएँ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सभी सुरक्षा अधिकारियों को और सुरक्षा कर्मियों को, जो कि बड़ी ही कर्मठता से कड़ी धूप में भी इस चुनौती का सामना करते हैं और बड़े ही शांतिपूर्वक दर्शन के इस कार्यक्रम को, इस बाबा के गौने के, माँ गौरा के गौने के कार्यक्रम को जो संपन्न कराते हैं। पूरे वर्ष भर इंतजार होता है हर दर्शनार्थी को, कब रंगभरी काशी आएगी और कब बाबा के साथ हम अबीर और गुलाल का होली खेलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम होली वाराणसी क्षेत्र में ही, वाराणसी खंड में ही बाबा के महत्वपूर्ण धाम में ही खेली जाती है।
काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ और एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो आप देखने को मिला। काशी के युवाओं का महादेव के समर्थन में महत्वपूर्ण उद्घोष, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, बहुत ही महत्वपूर्ण जयकारा लगाते हैं काशी के युवा महादेव को समर्पित। महादेव के लिए यह पूरी तरह से समर्पित हो गए, अपने समर्पण को, अपनी आस्था को, अपने अध्यात्म को, अपनी नवचेतना को, अपनी अस्तित्व को बताते हैं कि हाँ महादेव है, महादेव है, महादेव है। काशी का हर एक कण, हर एक क्षण और जन जन में जो जन चेतना है वही महादेव है। महादेव कहते हैं कि काशी का एक कण भी अगर आप उठा लेते हैं तो यह मेरी आराधना के तुल्य होगा। काशी खंड में स्थित श्री काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ कॉरिडोर था, अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में एक नए कलेवर में नव संचारित होकर आया है। विश्व का हर एक जनमानस चाहता है कि जल्दी से हम काशी के विश्वनाथ धाम में जाकर दर्शन और पूजन का कार्यक्रम। ऐसे ही कठिन परीक्षा होती है कि जब इतने बड़े जन सैलाब को, इतने बड़े जनमानस और जन स्थिति को किस प्रकार से बड़े ही सहजता से, बड़े ही सुचारिता से इस बहुत बड़े पर्व का, काशी के जयकारे के बीच, ये देखिए हर हर महादेव का नारा निरंतर उद्घोषित होता रहेगा, पूरी शक्ति से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है कि जब आप रंग भरी काशी में बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखाएं और उपस्थित होकर आप यहाँ पर देखिए एक भारी जन सैलाब। यह जन सैलाब कोई सहजता से नहीं जुड़ता, ये जन सैलाब मन से है, आपके तन से है, कर्म से है और वचन से है। अबीर गुलाल की ये महत्वपूर्ण स्थिति, जन मानस खुश है और हर एक दूसरे को अबीर गुलाल से सराबोर कर रहा है। बाबा को चढ़ा हुआ यह अबीर और गुलाल प्राप्त कर लेना ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है जब काशी विश्वनाथ धाम में आप रंग भरी काशी पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। आइए हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं काशी विश्वनाथ धाम का यह व्यू कैसा होगा, यह व्यू किस प्रकार का। आइए हम एक दूसरे एंगल से काशी विश्वनाथ धाम के इस क्षण को देखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़, ये देखिए महादेव के जयकारे से घोषित जो पैदल पथ मार्ग है, अगर मेरे सामर्थ्य में होता तो मैं आपको मेन गेट के अंदर से यह दृश्य जरूर दिखाता, लेकिन किन्हीं सुरक्षा कारणों की वजह से मोबाइल और कैमराज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में बैन है, इसलिए बाहर से ही हम आपको यह दर्शन का दर्शन करने के बाद निकलते हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी अबीर और गुलाल का वो क्षण और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है कि जब आप यहाँ पर दर्शन के लिए उपस्थित हों। ज्ञान बापी परिक्षेत्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अपनी छवि को कैद करते युवा, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी स्थापित कर दिया गया है कि आप अपने उस क्षण को, उस मोमेंट को अपने कैमरे में अपनी छवि को कैद करें और इस क्षण के साक्षी बने कि आपने रंग भरी काशी के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है बढ़ते हुए आधुनिकता के दौर में,
एक एक दर्शनार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबा के धाम में। बड़ी ही श्रद्धा से और बड़े ही लगन से महादेव के जय घोष करते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रवेश करते हमारे सम्मानित श्रद्धालु, क्योंकि बाबा के अबीर गुलाल के रंग में रंगे अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। बड़ा ही हर्ष का ये क्षण है जब काशी के जनता यहाँ पर ढूंके चिल्लाते हैं ना, बड़े ही रोचक दृश्य हो जाता है कि जब आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी में आए, काशी के महत्वपूर्ण। आइए हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की कुछ झलक दिखाते हैं, किस प्रकार से श्रद्धालु बड़े ही एक महत्वपूर्ण जन सैलाब, एक महत्वपूर्ण हर एक दर्शनार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। अबीर और गुलाल से रंगा यह काशी का हर एक एक जन हर हर महादेव के जयकारे से घोषित। हर हर महादेव क्या है ये हर हर महादेव? हर हर महादेव का मतलब है कि हर कण में हर क्षण में काशी है, रक्त के हर एक कण में काशी का महादेव का ही वास है, महादेव की उपस्थिति है, महादेव की ही काशी है। काशी का वास किसी ने नहीं देखा, काशी स्वतः है, सर्वविदित है, भगवान भोलेनाथ के द्वारा स्वयं से ही निर्मित, वेदों पुराणों में उपनिषदों में वर्णित यह काशी अपनी महत्ता को स्वतः ही प्रदर्शित करता है। अबीर और गुलाल का ये देखिए संगम बड़ा ही अच्छा है, ना चाहते हुए भी आपको अबीर से ही रंग देती है काशी। जब से यह महत्वपूर्ण प्रांगण का निर्माण, उसके बाद ये पहली रंग भरी काशी जिसके कि क्षण के साक्षी बनने के लिए हर एक जनमानस बड़ा ही व्याकुल हुआ जा रहा है। कैसा वह क्षण होगा जो कि मंदिर के अंदर अबीर और गुलाल का वो उत्सव देखने के लिए और उस उत्सव में सम्मिलित होकर उस क्षण के साक्षी बनने के लिए जनमानस के मन में एक महत्वपूर्ण अभिलाषा। आखिर महादेव के धाम में रंग भरी काशी का महत्व कैसा होगा? हर हर महादेव के जय घोष से माता पार्वती के सानिध्य में यह एक महत्वपूर्ण बसाई लगी काशी। कोई भी एक दर्शनार्थी छूट नहीं सकता, कितना भी आप बचे अबीर और गुलाल का प्रवेश आपके ऊपर होगा ही होगा, क्योंकि आज है रंग भरी काशी। अबीर और गुलाल के रंग में ही रंगते हर दर्शनार्थी, महादेव का एक संकल्प और एक शक्ति का संचार लिए बाहर निकलते हैं। भारी जन सैलाब, बहुत ही भारी जन सैलाब, ये देखिए बहुत ही भारी जन सैलाब बाबा के दर्शन के लिए आते और इन्हीं बीच में ही निकलते हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी। बाबा के भक्तों को रोक पाना इतना सहज नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ के इस महत्वपूर्ण प्रांगण की जो महिमा है इसको कोई स्वतः ही देखिए, स्वतः ही बड़े ही सहजता से दर्शन प्राप्त कर सकते।
काफ़ी सहजता से दर्शन प्राप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रंग भरी काशी के दिन दर्शन के लिए आए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्षण है, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम दर्शन प्राप्त कर लेना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है कि जब आप बाबा के महादेव के महत्वपूर्ण भक्त काशी विश्वनाथ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों को कवरेज करता हमारा चैनल कॉम ब्लॉग। काशी का हर एक जो क्षण है महादेव को ही समर्पित है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बने रहें हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे और देखते रहें ऐसे ही रोमांचक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी के महत्वपूर्ण क्षणों के वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय माँ गंगा, हर हर। बहुत ही भारी जन सैलाब क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगले एक रोमांचक वीडियो के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय माँ गंगा, हर हर महा।